जैसे आईपीएस परमबीर सिंह भाग गए, वैसे ही कुछ नेता अब अमित शाह से डरकर भागने वाले। पीएम मोदी को ललकारा था, अब उद्धव के मंत्री नवाब मलिक और संजय राउत का क्या होने वाला है? दाऊद की कंपनी के नेताओं पर गिरने वाला है अमित शाह का बुलडोजर। बस कोई पता नहीं बदलना। कहते हैं कम बोलो, कम खाओ, कम रुतबे में आओ, क्योंकि जिस दिन तूफान आएगा तो जिस रेत को आप अपनी ताकत समझ रहे थे वो आंखों में जाकर अंधी कर सकती है। लेकिन ये बात महाराष्ट्र की सियासत में तीन लोगों को समझ में नहीं आई। नंबर एक उद्धव ठाकरे, नंबर दो संजय राउत, नंबर तीन नवाब मलिक। ये तीन इतने गुमान में थे जैसे सत्ता की रेत पर चढ़कर ये मोदी को खा जाएंगे। जब सिंघम अधिकारी समीर वानखेड़े चर्चा में आए तो नवाब मलिक सीधे शाह की कॉलर तक पहुंच गए थे, मोदी सरकार का दामाद तक बता दिया। नवाब मलिक को उद्धव ठाकरे ने आजम खान की तरह बोलने की खूब आजादी दी। लेकिन जो होने वाला था वो किसको पता था कि किस्मत ऐसा साथ छोड़ेगी कि नवाब मलिक का गेम ओवर हो जाएगा। 23 फरवरी को ईडी ने नवाब मलिक को जब अरेस्ट किया तो कोर्ट ने उन्हें 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। स्पेशल कोर्ट ये तक कह चुकी है कि नवाब मलिक ने डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और उसके गुर्गों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश रची। लेकिन मलिक तो बस मोदी को ही अपना दुश्मन मानते हैं। हालांकि क्या वो कुछ बोल पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मोदी को जिसने भी आंख दिखाई मोटा भाई पूरा हिसाब लेता है। अब ईडी ये जानना चाहती थी कि डी कंपनी से इनके संबंध कैसे बढ़े। नवाब मलिक पर शिकंजा तब कसा जब दाऊद के गुर्गे इकबाल कास्कर ने पूछताछ में मलिक का नाम लिया। हालांकि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी उद्धव ठाकरे ने अपने मंत्री को समझाने की बजाय सीधा पीएम मोदी को चैलेंज किया और कहा कि हिम्मत है तो सरकार दाऊद को पकड़ कर दिखाए। मतलब एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। दाऊद से रिलेशन का राज खुला तो नवाब मलिक के खिलाफ कड़ी और गंभीर कार्रवाई हो सकती है। पता नहीं वो कितने लंबे समय के लिए जेल में रहे। कहते हैं कि इसीलिए पूरी सरकार उनको बचाने में आ गई थी। जब पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुंबई के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख जब 100 करोड़ के रिश्वत का आरोप लगाया तब भी खूब सनसनी मची थी। आज परमबीर सिंह ने अपना ठिकाना बदल लिया। अब महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद दाऊद के कितने हमदर्दों के राज खुलेंगे कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो भी पकड़ में आया उसके घर शाह का बुलडोजर जरूर चलेगा, बशर्ते कि उसका पता ना बदले। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के सबसे खास सारथी संजय राउत असल में शिवसेना के विभीषण हैं, जिनके बोल ने पूरी पार्टी बिखेर दी। अमित शाह और मोदी से लड़ते लड़ते पार्टी की बैंड बजा दी और नतीजा जो विधायक शिवसेना की सरकार में थे वो विधायक बीजेपी की सरकार के किंग हो गए। वजह जानते हैं आप? संजय राउत और उद्धव ठाकरे का घमंड कहाँ था? दोनों ने वक्त वक्त पर कहा रिक्शे वाले को मंत्री बनाया तो बीजेपी ने कहा अच्छा तो हम सीएम बनाकर सम्मान करते हैं, और बोलती बंद हो गई है। जो गले का फांस था वो अब फेफड़े तक पहुंच चुका है। और अब संजय राउत का क्या होगा वो सुनिए। संजय राउत कुछ दिन बाद बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि वो दरवाजे पर दस्तक देंगे। शाह पार्टी में लेंगे या नहीं वो तय करें। संजय राउत का पॉलिटिकल करियर दांव पर है। हिंदू विरोधी बयान देकर बची सियासत की मिट्टी पलीत कर चुके हैं। बीजेपी के अलावा विकल्प नहीं है। कल से संजय राउत की भाषा बदल जाएगी और विधायकों को धौंस दिखाने वाले संजय अब शिंदे से पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि शिंदे उद्धव की तरह उनके दोस्त नहीं है। शिंदे का सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया है तो वो दो लोग हैं। पहला राउत, दूसरा उद्धव का बेटा आदित्य, जिन्होंने हमेशा कहा सुनो तुम रिक्शा चलाते थे, सरकार मत चलाओ। अब कहानी पलट गई है। केंद्र में मोदी शाह की जोड़ी है, महाराष्ट्र में शिंदे देवेंद्र की जोड़ी है। मतलब समझ लीजिए अगली बार चुनाव हुए तो उद्धव खुद चुनाव जीत पाए इस पर भी सवाल होगा। मतलब राउत को गिरफ्तारी की आशंका अभी से ही सताने लगी है। अब संजय राउत 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने वाले हैं, जहां पूछताछ कितनी देर चलेगी इसका पता किसी को नहीं। हो सकता है राहुल गांधी की तरह 5 दिनों तक लंबी पूछताछ चले, या फिर नवाब मलिक की तरह ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर ले, क्योंकि संजय राउत के खिलाफ 1034 करोड़ के जमीन घोटाले से जुड़ा मामला दर्ज है जिसमें जांच तेज हो चली है। संजय राउत मोदी को अहंकारी और पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं। कुछ दिनों पहले राउत ने भी कहा था कि कुछ ईडी के अफसर भी जेल जा सकते हैं। संजय राउत का सबसे बड़ा आरोप यही है कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे उन राज्यों में जांच एजेंसियों को भेज रही है जहां उनकी सरकार नहीं है, ताकि सरकार के खिलाफ साजिश रची जा सके। जबकि सच ये भी है कि ईडी ने मोदी सरकार में जितनी कार्रवाई की है वो मनमोहन सरकार की तुलना में कई गुना ज्यादा है। ऐसी ही बड़बोलेपन वाली हालत नवाब मलिक की भी है, यानी सत्ता के दुरुपयोग करने का आरोप लगाएंगे। लेकिन सच यह है कि जब सत्ता में थे तो खुद घमंड में चूर होकर
हिंदुत्व को ही ललकार दिया। नतीजा न सम्मान बचा न सरकार, बची है तो सिर्फ ये कहानी कि अब इन तीनों किरदारों की फिल्म में शाह कैसी एक्टिंग करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।